नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी प्रखंड से संवाददाता नितेश कुमार चौबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत घटुआ कला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से गत शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अध्यक्ष प्रतिमा देवी व संयोजिका मंजू देवी पर आरोप लगाया जा रहा था कि दोनों ने मिलकर दो बोरे चावल मुन्ना के टेम्पू से कांडी ले जाकर बेच दिया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलाम समदानी बुधवार को जांच करने उक्त विद्यालय में पहुंचे। वहीं उप मुखिया अजीज अंसारी ने अध्यक्ष व संयोजिका को हटाने की मांग की है। वहीं अध्यक्ष व संयोजिका से इस संबंध में पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि चावल में कीड़े हो गए थे, जिस कारण चावल बेच दिया गया है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलाम समदानी ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त अध्यक्ष व संयोजिका पर लगे आरोपों के संबंध में उपायुक्त गढ़वा को जानकारी दी जाएगी। साथ ही कहा कि बच्चों को फल अंडा सहित मध्यान्ह भोजन मेन्यू के अनुसार दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर अध्यक्ष व संयोजिका को पद मुक्त नहीं किया गया तो हम सब धरना देने को विवश होंगे। उपायुक्त महोदय के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि घटवा कला स्कूल में MDM का चावल बेचने की सूचना प्राप्त हुई। वीडियो वायरल हुआ है, उसी के आलोक में उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में जांच किया गया। प्रथम दृष्टया में जो बयान लिया गया प्रधान अध्यापक के संयोजिका और अध्यक्ष के माध्यम से और बच्चों के द्वारा और जनप्रतिनिधि के माध्यम से सारे लोगों का बयान दिया गया और जो बात छन के आई है, प्रथम दृष्टया में यही प्रतीत होता है कि MDM का चावल जो स्थानीय बाजार में इसको बेचा गया है, दो बोरा चावल यही है। प्रथम दृष्टया में बेचने की और ही सूचना प्राप्त हो रही है। इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? उपायुक्त महोदय को इस संदर्भ में लिखित सूचना दे दी जाएगी। अग्रत कार्रवाई के महोदय के समक्ष सूचना हम लोग आज ही प्रतिवेदन करते हैं। सर के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद सर। जब बच्चे लोग कहा कि हम पता चला कि दो बड़ा चावल चोरी हुआ है तो बच्चों लोग से मैंने पूछा तो जाँच में पाया गया कि सही दो बड़ा चावल गया। और मैं पहले भी उप मुखिया के हैसियत से स्कूल मान के बोले कि मैनुअल के हिसाब से दीजिए और वो केंद्र यकीन जाँच में आया था उस समय भी बोला था कि संयोजिका को अध्यक्ष बताइए कि लोग मैनुअल के हिसाब से नहीं दे रहा है। मैं बार 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 कर रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर संयोजिका अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो हम लोग मिल करके जनता के सामने स्कूल को धरना देंगे। कारण क्या है हटाने का? कारण का है कि वो मिलो जिम्मेदार उस टाइम पर भी नहीं देता है, अभी लोग किसी का बात नहीं सुनता है, जिम्मेदारी करता है कि कौन हटा देगा। बच्चों को मेनुअल के हिसाब से नहीं मिलता, बच्चों को फल अंडा वगैरह मध्यान्ह भोजन सब मिलता है, मेनुअल को नहीं मिलता। कितना बोरा चावल बेचा गया मुख्य कहाँ पर? चावल स्कूल का बेचने में किसका किसका नाम शामिल है? बिना मिली भगत से मास्टर को बिना मिली भगत से नहीं था। संयोजिका का अध्यक्ष के पावन नहीं होगा तो हिम्मत होगा कि ले जाने पाएगा, जब से नहीं मिली भगत होगा। अध्यक्ष और संयोजिका चावल बेचे हैं? चावल बेचे हैं, लेकिन मैंने अनुमान लगाया था कि बिना मिली भगत से नहीं ले गया होगा। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हेडमास्टर का भी इसमें मिली भगत है? हेडमास्टर को पता है कि उन लोगों का कहता है स्कूल बंद होने के बाद। मौके पर प्रधानाध्यापक सुनील राम, BDC प्रतिनिधि जय मंगल राम, पंचायत सचिव जय मंगल राम, BRP जयप्रकाश लाल, बलराम चौबे, अरुण गुप्ता, अवधेश गुप्ता, आरिफ अंसारी, सत्यनारायण पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। धन्यवाद।